नमस्कार जी, कुक विदोसा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए दम आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम अपने किचन के ही मसालों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जो हमें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देगी। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए और जिन्होंने अभी अभी किचन संभाला है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो इसको देखकर बहुत ही आसान तरीके से अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बना सकेंगे। इसके लिए मैंने जो सामग्री ली है, मसाले लिए हैं, वो ये हैं। ये मैंने हल्दी ली है, मिर्च है, और ये इलायची, जीरा और काली मिर्च भून के पिसा हुआ पाउडर है, और ये हींग है, और ये थोड़ा सा चाट मसाला है, ये राई के दाने हैं, नमक है, और धनिया है, गरम मसाला है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है। और ये देखिए, मैंने 400 ग्राम के करीब आलू लिए हैं, और ये मैंने बॉइल्ड करके रखे हुए हैं, और ये दो बड़े टमाटर, दो साइज के बड़े टमाटर जो मैंने चॉपर से चॉप कर लिए हैं, और ये दो मीडियम साइज के प्याज, 6 कली मीडियम लहसुन की, और 1 इंच अदरक के टुकड़े का मैंने ये पेस्ट बना लिया है, और ये 50 ग्राम के करीब पनीर है जो मैंने कद्दूकस से बहुत महीन कसा हुआ है, और ये खड़ा मसाला है, इसमें 2 इलायची हैं, 2 लौंग हैं, जीरा है, और 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, 2 तेज पत्ता है, और 1 चुटकी के बराबर जायफल है इसमें, और ये 2 चम्मच मैंने दही लिया हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हैं, इसमें मैंने सिर्फ 2 सीटी ली हैं, ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे जिससे इसकी शेप ना बिगड़े। और अब मैं इस फोक से इसको प्रिक करूँगी गहराई तक। ये देखिए, और इसी तरह से मैं सारे आलूओं को इसी तरह से प्रिक करूँगी जिससे मसाले का फ्लेवर अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए। ये आलू मैंने प्रिक कर लिए हैं, और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैंने ये 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। अब रिफाइंड ऑयल अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं इसमें ये आलू डाल के फ्राई करूँगी। रिफाइंड ऑयल हो गया है, ये मैंने चेक कर लिया है, और अब मैं इसमें एक एक करके आलू डालूँगी। ये बॉइल्ड आलू हैं, इनको बड़े आराम से डालना है जिससे ये क्रैक ना हो। और मैं इनको थोड़ा सा चलाऊंगी, और अब इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मिर्च, और ये थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम चाट मसाला, और इसको हम चलाएंगे जिससे ये मसाले आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इन मसालों का स्वाद आलूओं में भी आ जाए। और अब मैं इनको धीरे धीरे थोड़ा सा फ्राई करूँगी जिससे ये थोड़ा सा ब्राउन कलर के हो जाए। जब तक ये आलू फ्राई हो रहे हैं, इधर धीरे धीरे देखिए फ्राई होना शुरू हो गए हैं, हल्के से ब्राउन होना भी शुरू हो गए हैं, तब तक हम इसके लिए मसाला और ग्रेवी तैयार करेंगे। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब मैं इसमें ये सरसों का
तेल डाल रही हूँ। इतना काफ़ी है, इतना सफिशियंट है इसके लिए। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से पक गया है, मैंने चेक भी कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ दाने मस्टर्ड सीड के डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी एक पिंच हींग। और इसके बाद अब मैं ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये अब भुन रहा है। ये जब थोड़ा भुन जाएगा, ब्राउन कलर ले लेगा, तब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च और ये दो चम्मच के करीब धनिया और ये आधा चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे मसाला और अच्छे से भुनेगा। और मैंने ये फ्लेम तेज कर दिया और मैं ये पौन चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा फिर मैं इसमें ये चॉप किया हुआ टमाटर डालूंगी। ये देखिए मसाला अच्छे से हो गया है और ये मसाला तेल छोड़ रहा है। और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले जो मैंने दिखाए थे वो मैंने थोड़ा सा कूट लिए हैं, इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। और अब मैं इसको इस मसाले में ये डाल रही हूँ खड़े मसाले। और ये दो तेज पत्ता, और अब मैं इसमें ये महीन कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल रही हूँ। ये पनीर मैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी डाल सकती हैं, ब्रेड को मैश करके डाल सकती हैं या आलू को भी मैश करके डाल सकती हैं जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और अब मैं ये टमाटर डाल रही हूँ। अब ये टमाटर थोड़ा सा मसाले के साथ गलेगा और फिर इसको मैं भूनूंगी। इसको गलाने के लिए मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख रही हूँ। ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं, इसमें ब्राउन कलर भी आ गया है और मसाले की कोटिंग भी अच्छी हो गई है। और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी ये आलू मैं उसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर पकाऊंगी। ये देखिए टमाटर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और गल गए हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ और अब मैं इसमें 2 चम्मच दही है वो डाल रही हूँ और इसको भी मैं धीमी आंच में थोड़ा सा भूनूंगी। ये मैंने आधा चम्मच के लगभग कसूरी मेथी ली है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये सब डाल के मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। और जब ये थोड़ा सा और अच्छे से भून जाएगा, मैंने फ्लेम तेज कर ली है, फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। मसाला भून चुका है अच्छे से और अब मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ। हाँ ये देखिए आलू डाल दिए हैं और मैं आलू और मसाले को एक साथ चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें भून के मैं इसमें फिर ग्रेवी डालूंगी।
अब ये देखिए आलू के साथ मसाला भी भुन गया है और अच्छे से, और अब मैं इसमें ये ग्रेवी लगा रही हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है और सफिशिएंट है। और अब मैं इसको मुश्किल से 4 मिनट तक पकाऊंगी। अब तब तक के लिए मैं ढक के रख रही हूँ। ये देखिए दम आलू बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने इनको 4 मिनट तक पकाया है और अच्छी तरह से पक गए हैं, और कलर भी इनका बहुत सुंदर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब मैंने इसमें ये जो काली मिर्च, इलायची और जीरा भून के रखा है, जो इसका पाउडर बनाया है, मैं लास्ट में इसको आधा डाल रही हूँ, और डालकर इसको चला के मैं 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी। इससे इसकी खुशबू और अच्छी आएगी और इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। दम आलू की सब्ज़ी फाइनली रेडी हो गई है, और आप इसको पूड़ी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, और घर पर बैठकर रेस्टोरेंट जैसे खाने का स्वाद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आप अपने घर में इसको बनाइए, ट्राई करिए, सबको खिलाइए, खुद खाइए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।